स्वागत है आप सभी का न्यूज 9 में। हम मौजूद है अभी रोहतास के डेहरी में। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह जी। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी। जिस तरीके से सर बिहार में नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन में सरकार जब है और समाधान यात्रा पूरे बिहार में निकाल रहे हैं, कहीं कहीं काला झंडा दिखा के विरोध भी किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये पहली यात्रा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये 13वीं और 14वीं यात्रा कर रहे हैं और ये समाधान यात्रा के नाम से कर रहे हैं, लेकिन ये समाधान यात्रा नहीं है, व्यवधान यात्रा है। क्योंकि ये जब यात्रा होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जाना होता है और जनता के लिए होती है, लेकिन ये वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर केवल एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तो कनेक्ट हो नहीं रही है किसी भी, जितने भी जनता से कनेक्ट हो नहीं रहे हैं। तो पूरे आपके बिहार के लिए क्या किए हैं नहीं किए हैं तो जनता ही बताएगी, इसीलिए इनका जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं विरोध हो रहा है। और चोरी छुपे जो आप इन्होंने फिर अपने सत्ता फिर से हासिल की है यहाँ से वहाँ से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये अच्छा काम नहीं किए हैं और इससे समाधान पूरे बिहार को होने वाला नहीं है। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार जब बिहार में आई तो युवाओं को खास करके उम्मीद था कि रोजगार अब मिलेगा। पहले आरोप लगाते थे कि एनडीए के सरकार में रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी प्रदर्शन हो रहा है रोजगार के लिए और लाठीचार्ज किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इन लोगों को एजेंडा में था कि 10 लाख रोजगार देंगे, जैसी अपनी हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी ने जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने बोला कि जैसी मेरी सरकार आएगी तो मैं अपने कलम से पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख का मैं रोजगार दूंगा। लेकिन रोजगार की बात छोड़ दिए तो लगता है कि सवाल निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि एक पहली नहीं होती है, पहली बुझाने वाले काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी प्रतिभा है वो बिहार से बाहर जा रही है। खास करके जितने अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात किया जाए, वहाँ पे वोकेशनल कोर्स की बात हुआ, इतने अच्छे अच्छे यहाँ विद्वान हैं जो कि उनकी अनदेखी की जा रही है, और जितने भी मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे हैं इनको ध्यान देना चाहिए, कमेटी गठन करना चाहिए और सभी को एक समान वेतन करना चाहिए। कहीं ना कहीं वोट के लिए युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा तो नहीं गया बिहार में? बिल्कुल ठगा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ना एक बढ़िया से इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना बढ़िया आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ना बढ़िया प्राइवेट जो कॉलेजेज हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जो प्रतिभा यहाँ के जो पैसे हैं वो साउथ में दिल्ली में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे शिक्षा के नाम पे बिल्कुल यहाँ पे शून्य जीरो हो जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में सभी यूनिवर्सिटी का सेशन लगातार लेट चलता है। बिल्कुल लेट चल रही है, और इसमें मैं विपक्ष होने के नाते मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि क्योंकि बच्चों से भविष्य खिलवाड़ ना किया जाए, और सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सेशन ऑन द टाइम हो, क्योंकि आज हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल की हो चाहे पीजी लेवल की हो वो तीन साल की जगह 4 साल कर रहे हैं और 2 साल की जगह 4 साल हो रही है। बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन लगातार पूरे बिहार में जहरीली शराब पीने से अनेकों जगह लोगों की मौतें हो रही हैं। ये पूरी तरह से हमारा जो आपका जो सरकार है पूरी तरह सिस्टम फेलुअर है, बिकता नहीं है, बिकता सभी जगह है, और एक नाम केवल है यहाँ पे है कि शराबबंदी है, और शराबबंदी के नाम पे कितने लोग लूट और खसोट हो रही है, और खास करके जो स्प्रिट बना बना कर लोग वहाँ पे लोगों को पिला रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा और शराब के भट्टी में लोग चले जाएंगे। कहीं ना कहीं सिर्फ शराबबंदी कागज पे ही बंदी है क्या? बिल्कुल कागज की बंदी है, आए दिन कितने लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। लगता है कि एक जरिया हो गया, एक व्यवसाय हो गया है, इस व्यवसाय के माध्यम सोचते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें अगर पहले अगर पाना होता है तो उसी चीज़ को डबल करके एक व्यवसाय के रूप में इसको बिजनेस करके इसको करते हैं, यानी पूरी तरह शराबबंदी बंद नहीं है, एक व्यवसाय हो गई है। तो जैसा कि आपने सुना कि शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार सिंह, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजी तौर पे है, दिखता नहीं है लेकिन बिकता सभी जगह है। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ रोहतास से न्यूज 9 के लिए शिव कुमार।